गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तबीयत ठीक है गाइस, थोड़ा सा है, मतलब 20% तबीयत ख़राब है, 80% ठीक होगी। कल मेरा बहुत ज़्यादा काम ख़राब था, विद टाइम ठीक हो रहा है, दवाई खा रहा हूँ। एंड येस ऑफ कोर्स मिसिंग यास्मीन ऑलरेडी, यार बहुत मिस कर रहा हूँ। काढ़ा भी आ गया मेरा, यास्मीन रख के गई थी काढ़ा के पैकेट, तो जीतू भाई को बोला जीतू भाई प्लीज़ कर पानी गर्म करके जल्दी काढ़ा दे दो, क्योंकि दवाई और काढ़ा टाइम पे लो तो तबीयत ठीक होएगी ही ना। ब्लॉग भी तो रोज़ बनाने हैं, बॉडी भी तो अपनी चेंज करनी है, मसल मास भी तो बढ़ाना है, बहुत काम पड़ा है, बहुत टाइम लगेगा, डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा चाहे तबीयत खराब हो चाहे ना हो। क्योंकि तबीयत खराब पे आई फील लाइक चलो ठीक है बेड रेस्ट चाहिए, बट कई बार होता है कि बेड रेस्ट वैसी वाली नहीं चाहिए होती, फिर भी हम लेटे रहते हैं। तो इतना भी ज्यादा लेजी मत बना करो, क्योंकि पता है दैट यू कैन स्टैंड यू कैन वॉक, बस वो इंटेंसिटी मत रखा करो, जिम मत जाओ कोई सीन नहीं है, बट एटलीस्ट आपको एक नॉर्मल लाइफ जैसे आप जी रहे थे वैसा बिहेव करना चाहिए अगर आप कर सकते हो, जब तक वो वाली कंडीशन नहीं होती कि भाई लिटना ही पड़ेगा, कि डॉक्टर ने लिटने को ही बोला है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों पे लेटे पड़े हैं एंड घर वालों को बोल रहे हैं नहीं हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि आप चाहते हो कि चलो घर वालों को पता भी है तबीयत खराब होती है कि चलो नहीं बोलना इसे, काम नहीं बोलना, बट फ्रॉम बैक साइड आई फील लाइक आप कर सकते हो। एंड वो चीज़ें कर करके आई फील लाइक कि तभी जाके आपकी तबीयत ठीक होएगी एंड आपका माइंड सेट भी काफ़ी क्लियर रहेगा कि नहीं आई कैन डू इट, एंड काफ़ी चीज़ों के लिए आपका माइंड सेट ओपन अप भी हो जाता है कि येस यू कैन डू इट। तबीयत का प्रोसेस वैसे ही है मेडिसिन के साथ, अगर नींद वाली है तो आप सो, बट अगर जाग आ गई है तो वहाँ पे लेटे मत रहो, जस्ट गेट बैक ऑन ट्रैक नो मैटर व्हाट। थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, खांसी हो रही है, चलते फिरते करो, बाहर घूमते करो, कोई सीन नहीं है, मास्क मूस डालो, बट अपने काम करो, अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, यू कैन डू इट राइट। एंड रूम भी काफ़ी खाली हो गया, जाता हूँ। यश भाई ने अपना सारा सामान कर लिया शिफ्ट, बस थोड़ा टेबल ही मैस्ड अप है, ये मैं आज क्लियर कर लूँगा। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताओ और क्या क्या किया जा सकता है रूम में, थोड़ा रूम टूर देता हूँ। ये पूरा खाली हो गया, अलमीरा भी मैंने इधर कर लिया है, यहाँ देखता हूँ क्या करना है, ऊपर भी सब कुछ हटाने का सोच रहा हूँ, एंड वो शूज़ वाला मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक ऐसे और मंगा लूँ रैक्स, मतलब ये वाले बॉक्सेस, एंड बाकी शूज़ भी उसमें घुसा दूँ, क्योंकि शूज़ बहुत सारे हो गए, अभी एक एक रो पे दो दो रखने पड़ रहे हैं मेरे को, जैसे इतने महंगे हैं, बेचारा ये इसको दबा के बैठा है, बट ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जिम वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दो दो, वाओ यहाँ पे तो तीन घुसे हुए हैं, एंड ये एक पेड़ तो मैंने आज तक कभी डाला भी नहीं है, ये वाला भाई लेके आया था बाहर से, एंड यहाँ पे भी खाली है। अरे तो क्यों चढ़ा हुआ, अगर खाली है जगह है तो बैठना इधर ब्रो, आई थिंक यहाँ का पेड़ निकाल लिया होगा। ओह शिट, यहाँ पे भी तीन तीन पड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी ब्लू, न्यू बैलेंस, येलो वाले भी बहुत डाले हैं, यहाँ पे फुटबॉल वाले पड़े हैं, ओह शिट सैंडल भी पड़े हैं और पड़े हैं। अभी यार जॉर्डन लेने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे और हर कलर टाइप हो ही गया। यहाँ पे पड़ा मेरा पहला गुच्ची और पीछे मेरे रनिंग वाले शूज़, यहाँ पे वाह ये मेरे फेवरेट है ब्रो, बहुत ट्रिप्स पे डाले हैं आज तक, बहुत ही चमक रहे हैं, मतलब साफ करना ये वाले शूज़ को सबसे इजी है, बस कपड़ा मारो एंड साफ पूरा क्लियर। एंड अभी साफ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अभी नहीं डाले। एंड ये वाले क्रॉक्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने और आशी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये वाला मैंने बनाया था आई थिंक, एंड ये वाला आशी ने बनाया था, अभी तक संभाले हुए हैं। एंड ये बेसिकली गिव अवे करने थे, बट वो वीडियो पे अभी तक आज तक 10,000 कमेंट्स हुए ही नहीं थे, बहुत पुरानी वीडियो है, पर कोई बात नहीं, कमेंट्स पे मिलने थे आपको। अभी मेरे लिए ये मेमोरी एंड बहुत खास है क्योंकि आशी और मैंने बनाए थे। यहाँ पे भी शूज़, पहले मेरे बरसाचे, ये ग्रीन भाई, बहुत कुछ है, आधे शूज़ तो पीछे बॉक्सेस के अंदर भी है, एंड ये भी मैंने खाली कर दिया बाय द वे, ये शायद बाहर रख देंगे हम वीडियो के पीछे, यूज़ हो गया तो वेल एंड गुड, फेंकूंगा तो नहीं क्योंकि कंडीशन ठीक है, बट मैं जब अगर ज़्यादा कपड़े लटका लेता हूँ तो कभी उधर गिर जाता है कभी इधर गिर जाता है। बाकी यस दैट्स इट, और टेबल बताया पूरा अभी मेस्ड अप ही है, टेबल करेंगे बाद में, वो बैक साइड भी पूरी क्लियर करनी है, यही काम बाकी है बस रूम के मेरे। एंड मौसम आज काफ़ी अच्छा है, बारिश नहीं हो रही थैंक गॉड, थोड़े कपड़े सुखाएंगे क्योंकि गीले तो कब से पड़े हैं मशीन में, बारिश ही बारिश हो जा रही है मुंबई में, वाह यार एक अच्छी सी वाइब आ रही है, बस
यास्मीन को मिस कर रहा हूँ बहुत, पता नहीं क्यों यार अभी वो थोड़ा ज़्यादा टाइम रुक के गई है ना, तो फिर ऐसा होता है कि यार समथिंग इज़ मिसिंग। भाई चलो कोई बात नहीं, लाइफ का पार्ट है एंड हर चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, एंड फॉर श्योर मैं भी चले जाऊँगा, अपनी एक मेमोरी छोड़ गई है उसका पूरा मेडिटेशन का सामान, उसके बाद होएगा वहाँ पे भी। वाओ, इसमें माला ही है उसकी, एंड खाना भी आ गया हमारा। अभी इधर से सामान जाट गया तो रूम कितना हल्का लग रहा है ना। हाँ, हल्का सा लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है, खाली हुआ तो इतना हल्का लग रहा है पहले लग रहा जंगल की तरह लग रहा था, पहले जंगल की तरह लग रहा था कोई बात। 6 eggs with 2 tablespoons of घी, दैट्स इट। तबीयत मेरी ख़राब थी तब भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत अच्छे लगते हैं यार कमेंट्स वो, कि तबीयत ख़राब है फिर भी आप डाइट कर रहे हो। डाइट मैं कर रहा था, तबीयत ख़राब थी, मैंने फिर से वही पॉइंट बताऊँगा, तबीयत ख़राब हो तो वो अपने आप को खो मत जाओ कहीं पे कि यू कांट डू, तबीयत ख़राब है आपसे चला नहीं जाएगा, वो आपका माइंड आपके साथ बातें कर रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड आपको कमज़ोर बना रहा है, बट असली में ऐसा कुछ नहीं है। आप वो ICU वाली कंडीशन में तो फॉर श्योर नहीं हो, या आपको 104 103 बुखार नहीं है, अगर है तो मैं खुद चाहता हूँ कि रेस्ट ही करो जब तक आप 100% ठीक नहीं हो जाते हो। बट जो चीज़ें आपने स्टार्ट की हुई है, जो आपका मिशन है, जो आपका टारगेट है, जो चीज़ आपके डिसिप्लिन में आ चुकी है, जिसके लिए आपने इतनी देर काम किया है, उसे कभी टूटने मत दो, क्योंकि एक बार टूट गया, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, एक बार टूट गया ना कोई भी चीज़ जो आपने सोची हुई है, वो टूटने पे, आपकी तबीयत ख़राब होने पे जब वो चीज़ टूटती है ना, आई एम टेलिंग यू ब्रो, मतलब उसके बाद तो फिर वो स्लोली स्लोली एक एक स्टेप आप लेना स्टार्ट कर देते हो, यार उस दिन भी तो किया था, कुछ नहीं हुआ था, स्लोली स्लोली आप फिर से अपने वो पुराने वाले ट्रैक पे आ जाओगे, जिस पे आपको अपने आप पे गुस्सा आता था कि यार नहीं यार आई हैव टू अचीव समथिंग, ये करना है वो करना, क्यों नहीं हो पा रहा, पहले मैंने ट्राई किया था, 3 महीने लगातार किया था, फिर वो चीज़ें, फिर वो बहाने, फिर वो लोगों को सुनाने वाली बातें रह जाती है। सो इट्स बेटर टारगेट अचीव करो, फिर लोगों को सुनाओ ना, लोग आपसे पूछेंगे प्रो कैसे किया, उस लेवल तक जाओ, समझ रहे हो। बस ये सुबह सुबह दिमाग में बात आ रही थी, आपके कमेंट्स पढ़ के भी आ रही थी कि कैसे मैं कर पाया हूँ। खाने में सिर्फ मैंने वो कुकीज़ मंगाए थे, जो एक कुकी में सिर्फ 2 ग्राम काब्स, नहीं तो नॉर्मल कुकीज़ में ब्रो 40-50 ग्राम काब्स होता है, इतनी शुगर होती है, इतना एक्स्ट्रा फैट होता है, कहाँ लेके जाओगे 200-300-500 कैलोरीज, हम तो पूरा पैकेट खा लेते हैं। फिर तो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड योर टारगेट्स। मैं जस्ट खाना खाने लगा था एंड लैपटॉप खोलने लगा था कि मैंने देखा, पहले मैं सोच रहा था सुबह से इधर उधर देख रहा था कि कहीं पे तो नोट कुछ रख के गई होगी मेरे लिए, बट हर जगह पे देखा मैंने जहाँ पे वो नोट रखती है था नहीं। कभी मैं किताब पढ़ रहा था तो किताब में होता है तो वहाँ पे भी नहीं था, टेबल के साइड पे होता है कि या कैमरे के ऊपर ही चिपका होता है, मैं कहा वाह यार इस बार रखा नहीं क्या हो गया। बट जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला यार क्यों नहीं मिस करूँगा मैं ये सब चीज़ें यार। जल्दी मिलते हैं फिर, अर्शु ध्यान रखो अपना, लव यू, यू आर माय लव चार्जर, आई यू आर माय लव चार्जर। यासु 31st July 2024, वाओ ये भी अभी जाएगा मेरी कलेक्शन में। खाना पीना वगैरह डन, अभी थोड़ा काम किया जाए, अगस्त के क्लाइंट्स के आज 3-4 क्लाइंट्स की डाइट प्लान लिखनी है प्रॉपर, क्योंकि अगस्त से वो स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम 1st August to 31st August वाले क्लाइंट्स। अब मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है, देर आर पीपल जो भी 20s पे है या 21-22 एज के है, वो काफ़ी क्लाइंट्स है एंड इतने मोटिवेटेड है कि आई गो टू जुम्बा क्लास या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, आई यूज टू डू रनिंग। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर डाइटिंग, क्योंकि तभी जाके आपको एक प्रॉपर रिजल्ट दिखेगा अपने स्टेमिना में, क्योंकि अगर आप डाइट कर रहे हो चलो ठीक है आपका बॉडी फैट ऊपर नीचे हो रहा है, डैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट और भी चीज़ें डाइटिंग के साथ लिंक्ड होती है, जो आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आप कैसा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दोगे, सडनली आपका ग्राफ कैसा ये होगा, तो वो सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए एंड उस चीज़ में आप ग्रो कर पाओगे एंड मसल ब्रेकडाउन ये भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक रेस्टिंग पोजिशन पर बहुत मुश्किल है एंड एक अलग से एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी तक मेरे सभी क्लाइंट्स जिम जाते हैं, कोई डांस करता है, कोई कुछ करता है, बट एक ना एक फिजिकल एक्टिविटी उनकी 1 घंटा दिन में होती ही होती है। सो
सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल जिसकी मैं अभी डैड लिख रहा हूँ, सो उनका गोल है, शी इज़ माई फीमेल क्लाइंट, गोल है टू बी फिजिकल एंड मेंटली फिट एंड आई नीड इंक्रीज इन माई स्ट्रेंथ. सो ऐसा गोल होना चाहिए आपका कि आप अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हो एंड आपको फील हो रहा है कि आप में एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, आप वो फिजिकली या मेंटली फिट अपने आप को सोच नहीं पा रहे हो अकॉर्डिंग टू अदर्स जो आपके आले दुआले वाले लोग होते हैं. सो बॉडी टू बॉडी हर बंदा अलग होता है एंड परफॉर्मेंस भी उसकी अलग होती है. बट जो चीज़ आपको रोक रही है, बट होता वो सब में है, क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज ऑफ योर डाइट. एंड मैं सबको एक फॉर्म देता हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होते हैं कि हाइट वेट तो चलो नॉर्मल वाले होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप पहले क्या खाते थे, एवरेज ज़्यादा क्या खाते हो, जंक फूड कब खाते हो, एंड आपकी कोई सर्जरी हुई है नहीं हुई है, कोई कंडीशन, आपका वर्किंग आवर्स कितना रहते हैं, कितने बजे उठते हो, कितने बजे जिम जाते हो. तो ये सब फैक्टर्स को लेके वो जो प्रोटीन ले रहे होते हैं पूरा दिन में, जो डाइट वो फॉलो कर रहे हैं या जैसा भी वो रोटी चावल जितना खा रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं पूछता हूँ एंड उसके बाद देखता हूँ कि क्या चीज़ मिसिंग है, क्यों नहीं वो स्ट्रेंथ आ पा रही जबकि आनी चाहिए एंड इतने कम एज में, क्यों वो एनर्जी आप फील नहीं कर पा रहे हो. सो वो फॉर्म के थ्रू मैं सब कुछ पहले एनालाइज करता हूँ, पढ़ता हूँ एंड फिर खुद की डाइट लिख के देता हूँ, एक कस्टमाइज डाइट उनके बॉडी के अकॉर्डिंग लिख के देता हूँ. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने फैमिली को मत बोलना ये डाइट फॉलो करने को, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डाइट कैलरीज डिफर होती है, अलग अलग होती है एंड वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग भी उनका क्या खाना पीना होना चाहिए वो बहुत अलग होता है. इफ़ यू आर सिटिंग वैन पूरा काम आपका 8 घंटे बैठने वाला है एंड आप खा रहे हो बट आपका टमी फैट निकल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट, तो उस टाइम पीरियड पे आपको कितना खाना खाना चाहिए कि वो 8 घंटे आपको भूख ना लगे एंड आप वो एक्स्ट्रा चीज़ें ना खाओ जो कि एक टेम्प्ररी एनर्जी होती है आपको देती है शुगर के लो, एंड उससे आपको एक गंदा स्पाइक मिलता है इंसुलिन का, आप इंसुलिन रेसिस्टेंट पे चले जाते हो एंड फिर से क्रेविंग होती है कुछ खाने की. एक चिप्स का पैकेट आप पूरा खा सकते हो बट उसके बाद आप आधे घंटे के बाद फिर से वो चीज़ रिपीट पे खा सकते हो, एक बर्गर भी खा सकते हो क्योंकि वो टेम्प्ररी एनर्जी होती है. सो मेरे को वो चीज़ें वो फैक्टर्स पढ़ के एक डाइट देनी होती है कि वो 8 घंटे में सिर्फ ये एक मील खाओ. इससे आपको भूख नहीं लगेगी एंड आप फालतू की चीज़ें नहीं खाओगे क्योंकि आपको भूख ही नहीं लग रही. तो बहुत कुछ देखना होता है डाइट लिखने टाइम एंड अभी मेरा 1-2 घंटा इधर ही निकल जाएगा ये सब चीज़ें लिखते हुए. मैं वो खुद ही काम डिले कर रहा था, इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास आ गई थी 3-4 दिन पहले, बट चलो कोई बात नहीं, मैं कहा चलो एक दिन में हो जाना था मेरे काम. सो आज पूरा उस पर ध्यान देना है, उसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगा, जिम जाऊंगा एंड जो रूटीन है मेरा मैं वो फॉलो करूंगा. कब से इधर ही बैठा हूँ, डाइट लिख रहा हूँ, डाइट वाला हो गया काम. वैसे अब मेरी एक काउंसलिंग है क्लाइंट के साथ 7:30 बजे, 1.5 घंटा बाकी है बस, फिर उसकी रात को डाइट लिखूंगा. बाकी मेरा खाना भी आ गया, 150 ग्राम चिकन विद वेजिटेबल्स काफ़ी सारी एंड 2 टेबल स्पून ऑफ घी, और साथ में देख रहा हूँ मैं वाइकिंग्स वल्हाला. अभी जिम जाऊंगा. हाँ, ओह शिट, ये क्या हो गया, ये कब हुआ ब्रो, पता नहीं. बाकी प्रोटीन जिम के बाद एंड डिनर जिम के बाद फॉर श्योर, उसके बाद रेस्ट करूँगा भाई. आज से टाइम टेबल भी सेट करना है क्योंकि बहुत होच पोच हुआ पड़ा है तबीयत के कारण भी, एंड वैसे भी अभी रूम भी प्रॉपर सेट करना, सोचना भी है रूम में क्या करना क्या नहीं करना. तो स्लोली स्लोली रूम अपग्रेड करेंगे, टाइम टेबल वैसा वापस लेके आएंगे एंड रोज़ किताब फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे 10 पेजेस. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार कुछ नया सीखने को मिला मेरे को, आपको भी अगर आपने मेरा वो पूरा 75 आर्ट फॉलो किया है. सो वो चीज़ भी कंटिन्यू रखनी है कि एटलीस्ट नई नई चीज़ें सीखने को मिले रोज़, मोटिवेशन मिलती रहे. मोटिवेटेड तो मैं हुई क्योंकि जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को खुशी मिलती है, सो वो अच्छा काम भी है. सो लेट्स गो गाइस, अभी जिम के लिए होऊंगा रेडी.
काउंसलिंग में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा यू नो 20 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, बट 40-50 मिनट मेरी बातें चलती रहती है, क्योंकि दूसरा बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा होता है डाइट, तो उसे डीपली समझाना होता है कि कैसे चीज़ होएगी स्टार्टिंग में एंड कैसे आपको उसको कंटिन्यू रखना है। क्या बन रहा है ये तो भैया खाने में? भिंडी। भिंडी बन रही है? बस भिंडी, भिंडी और रोटी। सही है, मैं आगे खाता हूँ चिकन। कौन सी लेगी तो उसके रूम में, गुनाह लेगी और साहिल के रूम में, कौन सी टाइल लगा रहे हो? तो चलो चलो प्रोटीन टाइम इट इज। वाओ, प्रोटीन पी के जो आज मैंने फिर से चेस्ट और बाइसेप्स इसलिए ट्रेन किए थे क्योंकि कल वो दुख दर्द और पीड़ा महसूस नहीं हुई थी, तबीयत खराब थी, बट फिर भी जिम आया था। बट वो होता ना स्ट्रीक, एक प्रॉपर जिम लगाने वाली स्ट्रीक मेंटेन्ड थी एंड उसके बाद सडनली लाइट वेट की बात नहीं, मैं 2-3 एक्सरसाइज कल छोड़ आया था, बाकी एक्सरसाइजेज अच्छी तरह की थी, बट मेरे मन में था नहीं ब्रो क्योंकि मैं पूरा रखता हूँ ना हिसाब किताब, कितने सेट लगाए, कितना वेट उठाया, तो कल वो वाली बात बनी नहीं थी। एंड आज ओह शिट, कितनी वो थकी हुई स्किन लग रही है लाइट्स के कारण, बट आज मज़ा आया। सो मैंने आज रिपीट की एक्सरसाइज, अब कल लगाएंगे बैक और ट्राइसेप्स। नहीं तो ऐसा हो जाता ना कि यार चेस्ट मिस होगी, प्रॉपर वाली लगी नहीं, तो मैंने वो एक्सरसाइजेस रिपीट की। एंड पहली बार मैंने पैटर्न थोड़ा चेंज किया था, लाइक अलग अलग मशीनें आपको इसलिए दिखी थी क्योंकि कल वाली दर्दें हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा चेस्ट ही लगाएंगे, बट चेस्ट का थोड़ा अलग मसल को ट्रेन करेंगे एंड वो ही किया। बाकी यस लेट्स गो होम, बहुत भूख लगी हुई है ब्रो।
मैं रेडी क्यों हो गया ओके फ्रेश हो गया, नहा नू लिया अभी आराम से, आई विल हैव माई डिनर एंड साथ में देखूंगा वाइकिंग्स, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ूंगा एंड फिर गुड नाइट, क्योंकि 8-9 घंटे की नींद कंप्लीट करनी है तभी तबीयत लाइन पे आएगी एंड मैं बैक टू शेड्यूल पे आऊँगा, क्योंकि कल फिर से काउंसलिंग है, सो काउंसलिंग हम मिस नहीं कर सकते एंड या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग छोटू सा व्लॉग, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब RSHFM अर्श फैम, बाकी कमेंट्स में इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं पढ़ूंगा एंड रिप्लाई करूंगा, चाहे कुछ भी हो आई विल ट्राई माई बेस्ट, उसके रिलेटेड अगर मेरे को कुछ आंसर आता होगा अपने एक्सपीरियंस से, नहीं तो लोग तो आंसर बना देते हैं कुछ भी इधर उधर से देख के, मैं ज़्यादातर जो मेरे दिमाग में इंस्टेंट ऐसे वाला आता है ना मैं वही बोलता हूँ, या दैट्स इट, चलो बाय।